तो जिया का फर्स्ट टाइम रहेगा यार। क्रियान सबसे पहले रेडी हो गया और सबको कह रहा है कि चलो, हमको जूता ला करके दिया कि पापा पहनो जल्दी से। ये देखिए सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत ही मजे में है सभी लोग। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी अभी हम लोग छत पर आए हुए हैं घूमने के लिए और क्रियांश जो है यहाँ पर खेल रहा है मजे में और क्रियांश भी ब्लॉग में आना चाहता है। जैसे कैमरा ऑन होता है क्रियांश देखने आ जाता है। ये वाह 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 वाह, बल्ले 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 बल्ले, वाह वाह। तो इसका जो है बैट बॉल लेकर के आ गए हैं ऊपर और बैट बॉल लेकर के जो है खेलते हैं। जब ये बड़ा हो जाएगा अच्छा है, हम खाली बैटिंग करेंगे, इसे बॉल फेंकवाएंगे। छत का, हाँ बिल्कुल, नजारा जबरदस्त आ रहा है। और यहाँ छत पर जो है हम लोगों ने बहुत ही अच्छा अच्छा रील शूट किया है, बहुत ही मजा आने वाला है जी। और अब जो है कुछ रील जो है इस चैनल पर भी डाला करेंगे, तो हम लोग का चैनल खोल करके आप जो है उसका शॉर्ट्स का सेक्शन बिल्कुल देखिएगा, तो वहाँ पर जाकर के आपको जो है कॉमेडी वीडियो सब भी हम लोग का मिल जाएगा। तो अभी हम लोग रेडी है और पतिदेव जो है अपना जूता साफ करें। बस हो गया, साफ निकलेंगे तो हम लोग अभी जा रहे हैं बाहर। बाहर कहाँ जा रहे हैं वो आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल क्रियांश भी रेडी है, बस उसका बाल बनाना है और फिर चलेंगे। तो सभी लोग जी अब तैयार हो गए और यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग, और हम लोग जा रहे हैं कटिहार में। एक जो है बहुत ही बेहतरीन सा रेस्टोरेंट खुला है, होटल भी है साथ में, तो हम लोग एक तो गए थे ही और अब एक जो है दूसरा वाला भी एक्सप्लोर करेंगे। मेरी फ्रेंड पार्टी दे रही है आपको। सही बात है। तो जिया की फ्रेंड बिल्कुल जी, तो जिया की फ्रेंड है, नाम है कोमल पूर्वी, तो उनका जो है 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरा हो गया है, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसी के उपलक्ष में जो है सभी को पार्टी दी जा रही है, तो चलते हैं। क्रियांश भी चलेगा मासी की पार्टी में, ठीक है चलते हैं। 20 मिनट्स लेटर फाइनली आ गए कोमल के पास। कोमल कांग्रेचुलेशंस, 1 मिलियन हो गया तुम्हारा। थैंक यू बोलने के लिए, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए यहाँ तक आई। तब इसके घर आ गए हम लोग, वैसे सन सिटी बगल में ही है जाने वाले थे, लेकिन भैया को आने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो बोली यहीं पे आ जाओ क्योंकि जस्ट बगल में ही है, तो हम लोग घर आ गए। पास में कटिहार के, तो आना जाना तो लगा ही रहेगा, जिसे बहाने देख भी लिए, है ना। और क्रियांश जो है इधर सपना लग गया है खिलौना में और पापा को भी काम पर लगा दिया है कि आप ये करो, लेकिन अच्छा तो आया इसके लिए। बिल्डिंग ब्लॉक्स है, तो हम लोग जी कोमल जी के घर से आ गए हैं बाहर और आ गए हैं होटल सन सिटी के पास, तो यहाँ पर चलते हैं सब लोग अंदर। मैं तो यहाँ 2 बार आ चुका हूँ, जिया नहीं आई थी, तो जिया का फर्स्ट टाइम रहेगा यार, तो जिया भी चल रही है अंदर। तो हम लोग आ गए हैं जी रेस्टोरेंट के अंदर और सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं और सभी का जो है खाना स्टार्ट हो गया है। क्रियांश भी उधर अपना खा रहा है, खा रहा है कि नहीं जिया, खा रहा है। यहाँ पर ये दोनों बच्चे भी जो है सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, ये 2 बच्चे और एक वो बच्चा है, तो सबसे ज्यादा एंजॉय यही लोग कर रहे हैं। और बाकी एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। हाँ, और इसी तरह आप जो है मिलियन करती रहिए, आपका फॉलोअर बढ़ते रहेगा, पार्टी लेते रहेंगे। आप लोग इसी तरह आते रहिए हम लोग के साथ में, हम लोग हमेशा सेलिब्रेशन करते हैं। हाँ बिल्कुल, जरूर रहेंगे, आप बुलाएंगे तो। A few moments later. तो यहाँ पर जी सभी की हो गई पेट पूजा और पार्टी हुई खत्म, और काफी अच्छा लगा सभी लोग साथ में हम लोग मिले। हाँ, सबसे पहली बार जो हम लोगों का मुलाकात हुआ था क्रियांश के जन्मदिन पर हुआ था, और वहाँ से यहाँ मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ है, और अब देखते हैं कहाँ तक जाता है ये। अच्छा बिल्कुल, तो अब यहाँ से जी चलने वाले हैं, मम्मी का भी कॉल आ गया है कहाँ है, तो हम लोग बस निकलेंगे, मुश्किल से 15-20 मिनट का यहाँ से रास्ता है, चलते हैं। खेल रहा है उधर ना, जिसके पीछे आ रहा है ना वो खेल रहा है। नेक्स्ट डे, तो अभी सुबह का समय हो चुका है जी, और क्रियांश कुछ देर पहले ही सो करके उठा है, और जैसे ही उठा है अभी खेलना नहीं चाह रहा है, जा रहा है पापा गोद में ही रहे, थोड़ा सा रिलैक्स करना है, थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर ये घूमेगा। 20 मिनट्स लेटर, तो अभी समय हो गया है जी 11:15, और मम्मी का कॉल आ गया है कि खाना लग गया है, तो चलते हैं खाना खाते हैं चल के। क्रियांश सबसे पहले रेडी हो गया और सबको कह रहा है कि चलो, हमको जूता ला करके दिया कि पापा पहनो जल्दी से। नया नया शब्द निकलता है मुँह से, आखिर हम लोग चले जाए किसी तरह, आप पैर छू के सबको प्रणाम कर रहा है, आखिर कौन पहले जाएगा जो हमको भी प्रणाम किया, जब कभी हमको नहीं करता है जल्दी, है सबको करता है। अच्छा है, अच्छा खुश रहो, स्वस्थ रहो, दीर्घायु रहो। 10वीं बार हुआ है, अभी और करो दादी, करो खुश रहो बेटा, दीर्घायु रहो, भगवान हर मौका पर तुमको अच्छा करे। तैयो ने लेस तो कोई तरह, फिर भी आपको कोई नहीं ले जाएगा बेटा, आप कितना भी जय कर लीजिए नहीं ले जाएगा कोई।
दोनों पर चुके कोई नहीं ले जाएगा आपको। खुश रहो बेटा, स्वस्थ रहो, दीर्घायु रहो, महारे तुमको इतना उम्र देंगे कि ले नहीं पाएगा। खुश रहो बेटा, स्वस्थ रहो। बाबा को जय कीजिए, बाबा को ले जाएंगे और कोई नहीं ले जाएगा। बाबा करो बाबा को, ए लड़की लड़की बेटी, जब बाबा को जय करो, बाबा को ही ले जाएंगे और कोई नहीं, बाबा ही ले जाएंगे और कोई नहीं ले जाएगा, बाबा ही जा रहे हैं। इसको लग रहा है बाबा को नाम किया ऐसे ऐसे। सर तो जूता पहन लिया, ग्रियांशु नहीं पहना, अपना जूता लेके घूम रहा है कि कोई पहना दे, कोई नहीं पहनाएगा आपको जूता। ये देखिए जूता लेके आया है आपको पहना, ये अपना जूता लेके गया है देने के लिए, देखिए कोई नहीं पहना, सैंडल पहनाएंगे इसलिए नहीं पहना, नहीं पहनाएगा, कोई नहीं पहनाएगा, ले लिए। A few moments later. तो सभी लोग जी तैयार हो गए और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं शादी में। तो वह हमारी भाई लगते हैं जिनकी शादी में हम लोग जाने वाले हैं, और वह जो है मम्मी के एक तरह से बेटे लगे, क्योंकि जो संजय अंकल है वह जो है मम्मी के कलीग थे, तो उन्हीं के यहाँ चल रहे हैं शादी में। और सभी लोग तैयार हैं और क्रियांश भी तैयार है, और क्रियांश सोच रहा है कब निकले आखिर यहाँ से। अच्छा, उन्हीं के बेटे की शादी है में। अच्छा, जहाँ भी हो, हाँ तो उन्हीं के बेटा की शादी है और हम लोग एक साथ काम किए हैं। बिल्कुल, स्टाफ कम करिए, हम भी जा रहे हैं। और जी वहाँ जो जा रहे हैं, वहाँ पर मम्मी के जितने भी कलीग थे जिनके साथ मम्मी ने लगभग 20-20 साल तक जो है समय बिताया है, किसी के साथ 15 साल, किसी के साथ 10 साल, तो वो सब लोग भी वहाँ पर आ रहे हैं। बुनियादी के टीम वहाँ उपस्थित होंगे, शादी में मिलन समारोह भी है। बिल्कुल जी, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, इसी तरह शादी भी होते रहे, हम लोग मिलते सब लोग मिलते रहे। तो समझ जाइए जी सभी टीम मेट्स का जो रियूनियन है, तो वहाँ चलते हैं। मेरे भतीजा की शादी है, बिल्कुल बिल्कुल, तो चलते हैं सब। तो हम लोग पहुंच गए हैं जी रिसेप्शन के वेन्यू के पास, और हम लोग यहाँ से जा ही रहे थे कि हमें यहाँ पर अपनी आंटी मिल गई, रेनू आंटी। तो दीदी कुछ क्या बोलना चाह रही थी? तो बोलेंगे क्या, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मिलते हैं तो निहाल हो जाते हैं। अच्छा, आगे कुछ नहीं, हम लोगों का संबंध ही ऐसा है, पहले दो घर में जन्म लिए हैं लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल अभी भी नहीं लगता कि हम लोग दूर हुए हैं, और शायद यहाँ पर रह गए हैं कभी दूर भी नहीं होंगे। अच्छा देखो तो देखो बेटा, ये रेनू आंटी, ये रवि भैया, रेनू आंटी का पापा, हमरा दो है सारी सारी को लेना जरूरी हो गया था। अच्छा, रेनू आंटी से मुलाकात करने के बाद जो है हम लोग पहुंच गए पार्टी में, और जब पार्टी में पहुंचे तो यहाँ पर मम्मी की और सभी जो भी पुरानी कलीग थी सभी लोग यहाँ पर मिल गई, और हम लोगों के आने से ज्यादा खुश तो मम्मी की ज्यादा खुशी थी। जाहिर सी बात है जी, यहाँ जो पार्टी थी उन्हीं के कलीग की थी, तो वहाँ पर गए और सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे, काफी अच्छा लगा। जो दूल्हे दुल्हन थे उनसे तो हमारी मुलाकात हुई, और साथ में मम्मी के जितने भी कलीग थे जैसे कि हो गए विभा मौसी, हो गई मंजुला आंटी, हो गई, तो सभी से जो है मुलाकात कर ली, और हमारी बचपन की यादें भी ताजा हो गई। मैं ध्यान है कि मम्मी जब भी स्कूल जाती थी और जब हमारा छुट्टी रहा करता था तो हम जो है मम्मी के स्कूल चले जाया करते थे साथ में, और वहाँ पर जो है सभी आंटी सब इतना चॉकलेट देती थी, इतना लार प्यार मिलता था, बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, लगता ही नहीं था कि हमारी माँ से कम है। आज जब हमारी शादी हो गई है, बाल बच्चेदार हो गए, तब उनसे जो है फिर से एक बार मुलाकात हो रही है तो काफी अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही जो है आगे और सब भी पार्टी है, मम्मी के जो एक और कलीग है उनके बेटे की शादी है, तो उसमें भी हम लोग जाएंगे, वहाँ पर भी मजा ही होगा। जिनकी शादी होने वाली है वहाँ पर, वह जो है हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज में क्लासमेट भी था, तो हम लोग कह सकते हैं कॉलेज मेट थे, तो हम सब की मुलाकात होगी वहाँ पर। और फिलहाल यहाँ पर पार्टी को एंजॉय कीजिए, देखिए सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत ही मजे में है सभी लोग। क्रियांश का स्टेज का फियर थोड़ा दूर करना चाह रहे थे, और यहाँ देख सकते हैं जी क्रियांश चला गया डांस फ्लोर पर। क्रियांश को जो है थोड़ा सा लाउड म्यूजिक से जो है थोड़ा सा डर लगता है, और वह जो है फ्लोर पर कभी जाता भी नहीं था, तो आज सोचा कि उसका जो है डर को दूर किया जाए, तो जिया उसको लेकर के चली गई वहाँ पर, और वहाँ पर जो है सब कुछ शांति से देख रहा था क्रियांश। फिर उसके बाद जो है खुद भी थोड़ा बहुत थिरकने लग गया, और अब लग रहा है कि क्रियांश का डर जो है धीरे धीरे दूर हो रहा है। तो क्रियांश भी बहुत मजे में था, और यहाँ पर जो है ज्यादा आपको रियल टाइम वॉइस नहीं सुना पाएंगे क्योंकि यहाँ पर लाउड म्यूजिक चल रहा है और कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, तो इसलिए जो है आप लोगों को वॉइस ओवर करके बताया जा रहा है। बाकी आप लोग को वीडियो देख रहे होंगे, और मम्मी की इस खुशी को देख करके आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।